हिडिंबा देवी भीम जी की पत्नी थी। राजा बहादुर जी द्वारा 1553 ईस्वी में बनवाया गया था। और जो घटोत्कच थे इनके पुत्र थे खाटू श्याम। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग फ्रॉम मनाली। और रात को जैसे आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा कि हम मनाली पहुंच गए। गुरुद्वारा गुरु ग्रंथ साहिब जी के पास में बिल्कुल होटल है ये। अगर आप कभी मनाली आते हैं तो जरूर आए। दिखा देते हैं आपको यहाँ से जो बाहर का व्यू है। और ये है गुरु ग्रंथ साहिब। और यहाँ पर जब मेला लगता है तो उस टाइम तो और भी खूबसूरत नज़ारे हो जाते हैं यहाँ के। और यहाँ पे काफ़ी गेम्स भी हैं। ये देखिए, आप गन से इन पे निशाना भी लगा सकते हैं और ये तीर अंदाजी भी आजमा सकते हैं आप। ये देखिए, मनोरंजन के लिए कोई कमी नहीं है। याक की सवारी भी कर सकते हैं आप, जो हिमाचल की ट्रेडिशनल ड्रेस है उसमें फ़ोटो वगैरह भी खिंचवा सकते हैं। काफ़ी गेम है ये देखिए। और मेरे राइट साइड में स्टॉल लगा हुआ है, वहाँ से आप शॉल वगैरह भी खरीद सकते हैं। और अभी हम चलते हैं घटोत्कच पूजा स्थल की तरफ। ये है वीर घटोत्कच पूजा स्थल। चलते हैं आगे की तरफ और दिखाते हैं आपको, नज़दीक से दर्शन करवाते हैं। जो घटोत्कच हैं ये भीम के पुत्र थे और बहुत बलशाली थे। इनका भी एक अहम किरदार है महाभारत में। ये घटोत्कच जी का स्थान गांव डूंगरी मनाली, घटोत्कच पूजा स्थल। और अभी दिखाते हैं आपको जो इनका मेन पूजा स्थल है वो, ये देखिए। और जो घटोत्कच थे इनके पुत्र थे खाटू श्याम। उनका नाम बर्बरीक था लेकिन बाद में खाटू श्याम जी हो गए वो। खाटू श्याम जी जब महाभारत के युद्ध में अपने तीन, जिन्होंने
तपस्या करके तीर प्राप्त किए थे, शक्तिशाली तीर। वो लेकर जब ये महाभारत के युद्ध में पहुँचे तो भगवान श्री कृष्ण ने इनसे पूछा कि आप किसका साथ देंगे। तो भगवान श्री कृष्ण को इन्होंने बोला कि जो पक्ष कमज़ोर होगा, मैं अपनी माता को वचन दे के आया हूँ, मैं उनका साथ दूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने इनसे एक वचन लिया और वचन में इनका शीश मांग लिया। जब इन्होंने अपना शीश काट के भगवान श्री कृष्ण को दे दिया तो इन्होंने बोला कि मैं ये युद्ध देखना चाहता हूँ। तो वो युद्ध इन्होंने अपने कटे हुए सर से देखा और उसके बाद इनको भगवान श्री कृष्ण ने वरदान दिया कि आप श्याम के नाम से जाने जाएंगे और खाटू जो गांव है वहाँ पे आप उपस्थित रहेंगे। उसके बाद से खाटू श्याम जी के नाम से प्रसिद्ध हो गए। ये सामने खाटू श्याम मंदिर, अभी आपको नज़दीक से करवाते हैं दर्शन खाटू श्याम जी के। और मंदिर भी बहुत खूबसूरत बनाया गया है। चलते हैं मंदिर की तरफ। श्री श्याम बाबा खाटू वाले का दरबार। ये हैं श्री खाटू श्याम जी, ये इनका सुंदर मंदिर। कुमार इंद्रो बृहस्पति रदिति शर्मा यक्षतु मर्माणि तीव्रम चादयामि सोमि स्तव राजा मृते नानुवस्तमुरो वर्योरुणास्ति करुणोतु जयन्तवानु देवा मदन्तु हरिः। ये सामने दिखाई दे रहा है मनाली का ISBT और साथ में है मंदिर। ऊंची ऊंची वादियाँ, बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों सिर्फ इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।